दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ रही है सिविल मैकेनिकल और भी इंजीनियर्स के लिए, जहां आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, इसमें उन्होंने साफ साफ बोला है डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, वीडियो पूरा देखिएगा। इसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में ये भी बताया कि आप अर्जेंट हायरिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप डायरेक्टली इस वैकेंसी को अप्लाई करके अपनी जॉब डायरेक्टली कन्फर्म करा सकते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि ये जो वैकेंसी है HPCL, और जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया कि बहुत सारी वैकेंसीज है जो फ्रेशर्स के लिए भी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप फ्रेशर एलिजिबल हैं या नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। अब मैं आपसे एक से दो चीज़ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपके काम की बात। दोस्तों मैंने जैसे कि आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि अब मैं जो भी वैकेंसी लाया करूँगा, और मैंने क्या किया है दोस्तों, मैं जो ये चैनल है ये इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड, ये आज से 1 ईयर बिफोर बनाया था, मतलब एक साल पहले बनाया था। एक साल पहले में मैंने कभी काउंटिंग तो नहीं रखी, कोई डाटा नहीं रखा, जो मेरी गलती है, मेरे को एक डाटा रखना चाहिए था। बट जितना डाटा मेरे पास अवेलेबल है, जित बंदों की जॉब लगी, मोर देन 2000 to 3000 बंदों की जॉब लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली अपडेट आती है आपके सामने, तो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये डाटा मैंने नहीं रखा है, लेकिन अब मैंने क्या किया है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, तो मैंने क्या किया है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, लाइक बड़ी बड़ी नहीं, जो एक नॉर्मल कंपनी है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ 600 करोड़ जो प्राइवेट कंपनी है, उनमें क्या है कि उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया उनके HR से, और उनमें से 5 से 6 कंपनी रेडी हो गई कि उन्हें क्या होता है कि वो कंसल्टेंसी के थ्रू अपने बंदों को हायर करती है, और उन्हें कंसल्टेंसी को 15 डेज की सैलरी देनी पड़ती है। कंसल्टेंसी क्या करती है, सिर्फ बंदों का naukri.com यहाँ वहाँ से प्रोफाइल उठाई और ले जाके कंपनी को दे दी। इंटरव्यू कौन करेगा, कंपनी करेगी। बंदे कौन देखेगा, कंपनी देगी। सैलरी कौन देगा, कंपनी देगी। कंसल्टेंसी को बिना बात की 15 दिन की सैलरी। तो मैंने उन बंदों से बोला, मैंने उस कंपनियों से बोला कि भाई तक मेरे को 15 डेज की सैलरी नहीं चाहिए, बट मैं बंदों को जो आपको दूंगा आप उनके इंटरव्यू कराइए, आपको मतलब कहो तो ठीक है। तो उन्होंने जो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भेजा है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो गर्ल्स के लिए अभी उन्होंने भेजा है। जैसे आराम कंपनी आराम से ही जॉब आएगी, जो कि अर्जेंट हायरिंग है, विद इन 15 डेज में ज्वाइन करना है, जो कि भुवनेश्वर लोकेशन के लिए है। तो भुवनेश्वर लोकेशन में आप आके देख सकते हैं। वैसे ये गर्ल्स के लिए है, नेक्स्ट जो है बॉयज़ के लिए भी आएगी। दोस्तों अब बात आई कि चैनल को सब्सक्राइब करने की, दोस्तों मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ ऑलवेज की चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी अपडेट आपके सामने सबसे पहले, सबसे लेटेस्ट, सबसे जरूरी आती है। इसके साथ साथ कमेंट में अपनी ब्रांच और पासआउट ईयर मेंशन कर दें। दोस्तों अब बात आई कि आपकी वैकेंसी क्यों नहीं लग रही। मैंने जैसे कि कल भी एक वीडियो में बताया था कि आप जो है 20 जॉब के लिए एक दिन में अप्लाई किया कीजिए। जब 20 जॉब में आप एक दिन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एक महीने में वो जाके 600 जॉब्स बन जाती हैं। लेकिन एक बंदे ने कमेंट किया कि 20 जॉब हम अप्लाई कैसे करें। देखिए 3 से 4 जॉब तो डेली मैं ही देता हूँ, 3 से 4 जॉब के अपडेट तो मैं ही देता हूँ। इसके अलावा क्या है कि आप naukri.com हो गया, LinkedIn हो गया, जहाँ मैं डेली अपडेट आपको अलग अलग जॉब के देता रहता हूँ। LinkedIn पे मैं डेली 5 से 6 पोस्ट डालता हूँ, आपको पता हो, नहीं जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत पोस्ट डालता हूँ। इसके जो है कम्युनिटी पोस्ट में, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में बहुत पोस्ट डालता हूँ। तो इसीलिए जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को या फिर इंस्टाग्राम को या LinkedIn को फॉलो नहीं किया है वो याद से कर ले। अब बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। दोस्तों आज की वैकेंसी जो है बहुत ही खास रहने वाली है उन सभी के लिए जो बंदे जॉब की रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उसी के लिए ये वैकेंसी आई है। अब बात कर लेते हैं ये वैकेंसी कहाँ आई है। ये वैकेंसी आई है दोस्तों, ये आई है मेल की तरफ से। अब ये मेल क्या है दोस्तों, ये आई है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मेल जो है बहुत बड़ी कंपनी है, मेल ग्रुप। तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप जो है ये वॉक इन इंटरव्यू करा रहा है डायरेक्ट भुवनेश्वर लोकेशन के लिए। और कब होने वाला है जी, 15th February को होने वाला है। टाइमिंग 9 AM to 3:30 PM रहने वाली है। इसमें किस किस को जाना चाहिए, किस किस को अप्लाई करना चाहिए, वही मैं आपको बताऊंगा। अब बात वेन्यू का रहने वाला, माँ भरानी रिजॉर्ट सत्य विहार नगर पालसुनी सालूगढ़ भुवनेश्वर उड़ीसा में रहने वाला है। पोजीशन रिक्वायरमेंट जो इन्होंने मांगी है और इसको इन्होंने बोला है, सबसे पहले सिविल मैकेनिकल मैनेजर सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट साइट एग्जीक्यूशन। कितना मांगा है, 15 ईयर्स का। जो 15 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस वाले हैं उनकी मैं कभी बात ही नहीं करता, क्योंकि जिनके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास बैकअप खुद का इतना होता है कि उन्हें कहीं जॉब के लिए बाहर धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं होती। बाद में क्या है कि सिविल, अब सिविल वालों के लिए अलग से इन्होंने निकाली है, जिसमें इंजीनियर सीनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्वेयर प्लानिंग बिलिंग साइट एग्जीक्यूशन। अब ये क्या है, WTP OHT का क्या है, WTP की फुल फॉर्म क्या है, WTT की फुल फॉर्म है वाटर
ट्रीटमेंट प्लांट। अब ओटीपी की क्या है, ओएचटी की क्या है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ये इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए फाउंडेशंस बनती है, तो उनके लिए सिविल में हो गया। अब दूसरा आ गया मैकेनिकल के लिए, इंजीनियर सीनियर इंजीनियर पाइपलाइन वर्क्स। अब इसमें भी फ्रेशर वाले, देखिए दो जो वैकेंसी है जिसमें सिविल और मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, यहाँ सिविल और मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया सिविल मैकेनिकल के इंजीनियर सीनियर इंजीनियर QA QC। अब ये QA QC क्या होता है दोस्तों, QA का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी एश्योरेंस, जो क्वालिटी को चेक करता है। ऐसे ही QC का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी चेकिंग, तो QA QC भी। दूसरी बात ये क्या है, HR में भी ये एनी ग्रेजुएट को ले रहे हैं, एनी ग्रेजुएट को जिसमें 2 to 6 years का एक्सपीरियंस मांगा है, 2 to 6 years का एक्सपीरियंस की डिमांड इन्होंने की है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो इनमें BE BTEC सिविल मैकेनिकल से आपका होना चाहिए। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ टोटल वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 2 to 18 years, बट मैं आपको बोलूंगा फ्रेशर्स वालों के लिए, ऊपर इन्होंने कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, तो फ्रेशर्स वाले भी अगर आप भुवनेश्वर के आसपास लोकेशन से हैं तो जाए, अदरवाइज जो दूसरी लोकेशन से हैं उनके लिए मैं बताऊंगा। दोस्तों इन्होंने बोला है वाटर सप्लाई एंड इरीगेशन सेक्टर मैंडेटरी, इसके साथ साथ जो अक्रॉस उड़ीसा स्टेट। दोस्तों आपकी जो वैकेंसी रहेगी ये वैसे तो पैन इंडिया में रहेगी, अभी पैन की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, पैन की फुल फॉर्म है प्रेजेंस, ए का मतलब होता है अक्रॉस, एन का मतलब होता है नेशन के अंडर कहीं भी, बट यहाँ इन्होंने बोल रखा है कि उड़ीसा के अंदर ही रहेगी। इन्होंने बोला है टू गेट इमीडिएट ऑफर प्लीज ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद अपडेट प्रोफाइल, और इन्होंने बोला है कि कॉन्टैक्ट नंबर नारायण राव जी का, लेकिन फोन मत कीजिएगा, फोन तो ऑलरेडी बंद ही कर देते हैं, वो उठाते नहीं हैं। दूसरी बात क्या है, इन्होंने मेल आई डी दी है, मेल आई डी पर आपको कवर लेटर के साथ अपना सीवी मेल कर दीजिएगा जो आउट ऑफ भुवनेश्वर से हैं, क्योंकि भुवनेश्वर वाले ही यहाँ जा सकते हैं, जो भुवनेश्वर वालों से अलग यहाँ जाएंगे उनका क्या है ये देखेंगे आप, HR mail@meghaengineering.com, क्योंकि मेल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, और या फिर इस डायरेक्टली स्कैन कोड को भी कर सकते हैं, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के अलावा जिसने अभी टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है याद से कर लीजिएगा दोस्तों। अब इसको मेल कैसे करना है, मेल करना है आपको कवर लेटर के साथ। कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, दैट मीन्स कवर लेटर। कवर लेटर कहाँ मिलेगा, कवर लेटर मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए चलना पड़ेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए चलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहाँ आपको कवर लेटर मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, मेरी वेबसाइट पे, हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ आके आपको यहाँ ऊपर ही पिन मैसेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिल जाएगा, रिज्यूम फॉर्मेट के साथ साथ जो अगर आप देखेंगे यहाँ आपको कवर लेटर भी मिल जाएगा। कवर लेटर जो होता है अपने आप में क्या चीज़ होती है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का क्या काम होता है, मैंडेटरी क्या काम होता है दोस्तों, पहले क्या होता था कि आपका सीवी जो है इन हैंड देना पड़ता था, बट आज के टाइम में हर चीज कवर लेटर के साथ, मतलब आपका रिज्यूम बहुत कम बंदे पढ़ते हैं बट कवर लेटर हर एक बंदा पढ़ता है, तो आप जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी अगर आपके पास दूसरा कवर लेटर है तो आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं, अगर मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपका नाम लेके आपको क्रेडिट करके दूंगा उसको। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास सीवीज है जो है, दुनिया की हेल्प करनी है हमें, तो आप हेल्प जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपको आना है उसके बाद मेरे मेल सेक्शन में, या फिर आपको जो भी आपका मेल सेक्शन है उसमें जाना है, वो कवर लेटर जो कॉपी किया था उसको यहाँ पुटअप कर देना है। देखिए सब्जेक्ट में याद रखिएगा कि आपकी ब्रांचेस कौन सी है, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, अब डियर सर ऑब्लिक मैम ऐसे, और ये जो है पूरा का पूरा ही बहुत ही अच्छा है, आप डिप्लोमा बीटेक प्लेस ऑफ नेम कॉलेज ये सभी आपको मेंशन कर देना है जो भी वहाँ लिखा है, और इसको आपको जो आपको मेल आई डी मैंने बताई वहाँ जो मैं वीडियो बता रहा था उसमें जो मेल आईडी बताई है उसको आपको 2 में रख के फॉरवर्ड कर देना है, किसके पास भेज देना है, उसके पास भेज देना है जो आपको मेल आईडी दी है। याद रखिएगा इसके साथ साथ अपना सीवी मतलब अपना बायोडाटा या फिर कोई भी अपना डेट, वो सारा आपको अपलोड कर देना है। किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू, बट आपसे एक और चीज की रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उस पर जल्दी से जल्दी मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मॉनिस्टर का मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।